गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। वेडिंग सीजन इज हियर और वेडिंग सीजन के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लिपस्टिक्स जस्ट अंडर ₹100। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक्स है एंड दीज आर फ्रॉम वेल नोन ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ गुड क्वालिटी। सामने ही क्रिसमस ईव है, न्यू ईयर्स ईव है, तो गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए भी आप इन लिपस्टिक्स को कंसिडर कर सकते हैं। आई हैव परचेस्ड ऑल दीज लिपस्टिक्स फ्रॉम Amazon एंड Amazon पे अभी चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल फ्रॉम 9th of December टू 14th of December। Grab the best offers of 20% cashback and free delivery on your first fashion order. इस सेल के डिटेल्स एंड सारे लिपस्टिक्स के परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले मैं इस लिपस्टिक को शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज माय फेवरेट लिप शेड और ये है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज इनसाइड मैट लिप इंक एंड लुक एट द शेड, दिस इज सो प्रिटी। ये है 08 वाइल्ड कार्ड और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इस लिपस्टिक को इस्तेमाल करते हुए देखा था एंड देन ओनली आई हैव परचेज दिस एंड आई एम सुपर हैप्पी विद द लिप शेड, विद द लिप फॉर्मुलेशन। हाल ही में ही मैं दिल्ली गई थी मेरे दीदी की शादी में, वहां पर ना मैंने इसे कैरी किया था एंड ट्रस्ट मी हर एक लुक के साथ मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इसी लिप शेड को अप्लाई करूं बिकॉज दिस इज सच अ वर्सेटाइल लिप शेड। आप इंडियन वेयर में हो, आप वेस्टर्न वेयर में हो, आप कहीं पर डे टाइम फंक्शन में जा रहे हो या फिर नाइट टाइम में, हर टाइम के लिए इस लिपस्टिक को आप वेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेकअप। सो अगर आप कुछ ट्रैवलिंग के लिए या फिर कुछ वर्सेटाइल ऐसा लिप शेड चाहते हैं विच विल कॉम्प्लीमेंट एवरी लुक, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई पर्सनली लव दिस। ये ट्रांसफर प्रूफ है, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन। सो इसके ना बहुत सारे शेड रेंजेस अवेलेबल है, शादी सीजन हो, क्रिसमस ईव हो या न्यू ईयर्स ईव हो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ ब्राइट रेड कलर्ड लिपस्टिक। सो हियर आई हैव अ रेड लिपस्टिक ऑप्शन, ये है ब्लू हेवन इंटेंस मैट लिपस्टिक। ये बुलेट लिपस्टिक है, क्रीमी फॉर्मूला है, ट्रांसफर प्रूफ किस प्रूफ तो नहीं है बट हाँ मैट लुक डेफिनेटली देता है एंड फॉर ₹90, ₹80 आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लिपस्टिक। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा मेकअप नहीं करते बट हम चाहते हैं कि हमारा लुक थोड़ा सा गॉर्जियस दिखे, तो इस तरीके के लिपस्टिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं ब्राइट रेड कलर्स तो उससे आपका लुक गॉर्जियस भी आ जाएगा और आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालनी पड़ेगी। एंड द शेड इज 303 हर्ट बीट। इसमें बहुत सारे शेड रेंजेस अवेलेबल है, इनफैक्ट रेड के ही कई सारे वेरियंट्स अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। दिस इज मोर काइंड ऑफ टोमेटो रेड। नेक्स्ट ऑप्शन इज अगेन फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स और जो मैंने पहला वाला ऑप्शन शेयर किया था वाइल्ड कार्ड, उसी शेड का ही ये बहुत ही ज्यादा डार्क वर्जन है। इसका जो शेड नेम है वो है 19 डिवाइन। दिस इज वेरी प्रिटी एंड अ फेमस शेड आई वुड से, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इस शेड को इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये एकदम परफेक्ट एक वेडिंग काइंड ऑफ शेड है, फॉर्मुलेशन वाइज अच्छा है, ट्रांसफर प्रूफ है, किस प्रूफ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लिप्स को ड्राई कर देता है। और अगर आपने बहुत देर तक इसे वेयर करके रखा है और आपने खाना खाया है, अपने ड्रिंक्स वगैरह लिया है, तो आपका जो लिपस्टिक है वो ना सेंटर से थोड़ा सा निकल जाता है और कोई ऐसा कोई स्टेन भी नहीं छोड़ता, जो कि मैट इंक वाले में स्टेन छोड़ता है, बट इसमें कुछ भी स्टेन नहीं छोड़ता, जस्ट पूरा लिपस्टिक ही निकल जाता है। तो आपको 2-3 घंटे बाद इसे थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत हो सकती है अगर आप ज़्यादा खाना वगैरह खा रहे हैं तो, अदरवाइज देयर इज नो इशू। ₹90 में आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील यू कैन फाइंड। इनसाइड के नॉन ट्रांसफर लिप कलर में मैंने एक और शेड, ये मेरा फर्स्ट परचेज था फ्रॉम दिस एंटायर रेंज, ये है शेड नंबर 01 जॉयफुल। ये भी आप स्मोकी आई लुक्स वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें ये लिपस्टिक बहुत अच्छा जाएगा। उसके साथ अगर आपने कुछ भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर पहना है और आप चाहते हैं तो आपका लिपस्टिक थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ हो तो आई थिंक दिस विल गो वेल। ये मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ये लिप शेड। ये एकदम ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन काइंड ऑफ एक लिप शेड है विच इज़ परफेक्ट। आई थिंक मुझे तो इस तरीके के लिप शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपके कलेक्शन में कुछ न्यूड शेड्स होना ज़रूरी है, कुछ इस तरीके के चॉकलेट ब्राउन शेड्स होना ज़रूरी है और कुछ ब्राइट रेड शेड्स होना ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 90-94 रुपीज़। आई थिंक अभी तो और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी, सो डेफिनेटली चेक Amazon टू गेट दिस ब्यूटिफुल लिपस्टिक। ₹100 में मेरे पास आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड एंड ये जो लिपस्टिक है ना, आई लव दिस लिपस्टिक एंड यू ऑल कैन सी मैंने इतना इसे इस्तेमाल किया है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, इतना मेल्ट हो चुका है ना। इसका जो लिप शेड है वो है नोव्यू पिंक और ये
पर्पलिश काइंड ऑफ एक शेड है, तो मैं ना कभी कभार इसे ऐसा ब्लश इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रीमी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रीमी है, लिप्स को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है. दिस इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ, किस प्रूफ, मैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्लेम भी ये नहीं करता. दिस इज़ अ बुलेट क्रीमी लिपस्टिक, तो विंटर सीजन के लिए आई थिंक इट विल बी परफेक्ट. और हाँ, अगर आपको ना लाइट लिपस्टिक्स पसंद है, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा पर्पलिश काइंड ऑफ, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर योर स्किन. ये वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा. मैंने इस वीडियो के लिए एक और लिपस्टिक परचेज किया था, ये ब्लू हेवन लॉन्ग वेयर लिप कलर है. इसमें जो मेरा शेड है ना वो एकदम डार्क मरून काइंड ऑफ एक शेड है, एंड द शेड नेम इज LC04. बट इसका फॉर्मुलेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एज अ ब्लश मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, एज अ ब्लश इट वर्क्स परफेक्टली, बट ये ना तो ट्रांसफर प्रूफ है, ना तो मैट है, ना तो किस प्रूफ है. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप इसे पहनते हैं तो भी ये अच्छा पे ऑफ नहीं देता. थोड़ा सा चिपचिपा है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके लिप्स के ऊपर ना ये चिपक जाता है. LE18 की लिपस्टिक्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैं अंदर बजट एक लिपस्टिक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसमें LE18 की कोई लिपस्टिक नहीं शेयर करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता. LE18 कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक में से मेरा जो फेवरेट शेड है, मेरे पास इस रेंज के ना बहुत सारे लिप शेड्स अवेलेबल हैं. ये बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइट पिंक शेड है, विच इज़ परफेक्ट फॉर शादी सीजन. इसमें मेरा जो शेड नेम है वो है डीप पिंक, एंड इसमें फॉर्मुलेशन सभी को पता है, मैट लुक तो नहीं देता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम मैट, जैसे आजकल जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं जो कि बिल्कुल मैट लुक देता है, वैसा मैट तो नहीं है, बट ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, फॉर्मुलेशन ठीक ठाक है. 80-90 रुपीज़ के लिए परफेक्ट है. मुझे पर्सनली बुलेट लिपस्टिक्स ज़्यादा पसंद आते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड लिपस्टिक्स, तो मुझे ये लिपस्टिक तो काफ़ी अच्छा लगा. इनसाइड कॉस्मेटिक्स के कुछ बुलेट लिपस्टिक्स भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो जिसमें मेरे पास ये ऑप्शन है, ये है इनसाइड मैट लिपस्टिक. ये बुलेट लिपस्टिक है एंड दिस इज अ परफेक्ट वाइन शेड. इसका नेम है A9 पिंक कर्व, ब्राइट वाइन काइंड ऑफ एक शेड है जो कि परफेक्ट है फॉर विंटर सीजन. तो इसमें बहुत सारे शेड रेंजेस अवेलेबल है, यू कैन ट्राई, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस पिंक कर्व शेड. हर स्किन टोन के ऊपर अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सारे प्रोडक्ट्स की परचेसिंग लिंक्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.